अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गुलनार्स कुकिंग। आज हम बनाएंगे नमक पारे। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में। आप इसको एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं शाम के, आप इसको कोई भी टाइम हो आप इसको बच्चों को दे सकते हैं खाने के लिए। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ईजी है। ये मैंने 250 ग्राम मैदा ली हूँ। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हम इसमें अजवाइन लेंगे। इसको हाथों में इस तरह से क्रश करके इसका बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। आप इसमें कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें लेंगे हम 1 टीस्पून से कम नमक। ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये मिक्स होने के बाद में हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल डालने से और इसको हाथों से इस तरह से मसलने से इसकी जो क्रिस्पी इसमें आता है और ये ज़्यादा टाइम तक रहता है। इसको हमने अच्छी तरह से हाथों में मसले और ये इस तरह से हुआ है, आप देख सकते हैं। मतलब ये परफेक्ट आटा हमने इसको अच्छी तरह से मल के हो चुका है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसको हम गूंदेंगे। आटे को हमने अच्छी तरह से मल लिए, जिस तरह हम पूरी के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह इसको गूंदेंगे। अब इसको हम बेलेंगे, उसके पीसेस करेंगे। इसके हमने 4 पेड़े बना के रखे हैं, एक को अभी बेलेंगे हम। ये हमने बेले हैं ये इस साइज की, आप देख सकते हैं। अब इसको हम कटिंग करेंगे, इस तरह का लेंगे। आप छुरी से भी इसको कट कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको ये किए। अभी एक प्लेट में निकालेंगे इसको हम और फ्राई करेंगे। हमने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसको लाइटली गर्म करके इसमें डालना है। इसको 2 से 3 मिनट लगे हैं इस तरह कलर चेंज होने में। ये 5 मिनट में अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। इसको गोल्डन नहीं करना है, लाइट ही रखना है। अभी इसको हम निकालेंगे प्लेट में और दूसरे बाकी के भी इसी तरह हम फ्राई करेंगे इस कलर में। मैंने एक एयरटाइट जार में रखी हूँ, आप देख सकते हैं। इसको हम महीना भर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होएगा। जब भी आपका दिल करे आप इसको निकाल के खा सकते हैं। ये हो गया रेडी, हमने डिश आउट किए। बहुत ही अच्छा बना है और एकदम क्रिस्पी है। मैं आपको ये एक तोड़कर दिखाती हूँ, इस तरह से है। और इसका खाने में भी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं 1 मंथ के लिए। जब भी आपका दिल करे चाय के साथ आप शाम के इसको खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।